रिकॉर्ड हो रहा है सर, कल को बिल्कुल वीडियो में कोई भी कस्टमर हो ठीक है, ये मैं करता ही हूँ एक तरह, ठीक है 10 में से 10 ही दे देंगे अगर कुछ खराबी कम, कुछ खराबी नहीं। बाकी जो आपको बजट बताया था उस बजट में हुआ है ना काम? बजट तो धीरे धीरे कुछ कंपोनेंट बढ़ते गए तो बजट उस हिसाब से बढ़ता गया, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या बजट होने वाला है, क्या कुछ होने वाला, अभी हिसाब नहीं हुआ है। तो श्रीराम जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। गाड़ी बताओ कहाँ से आई थी और क्या क्या कर रहा है? गाड़ी का नाम दिल्ली से, कहाँ से? द्वारका से, द्वारका से। ठीक है, क्या क्या करा है हमने इसमें? इसके अंदर हमने किए है आपको ये DRL लगाए हैं, ठीक है, इसके बाद LED लगाया है 250 वाट का, इसके बाद ये फोग लाइट लगाए हैं। एक बार ऑन करवा के दिखाओगे? ऑन कर आप एक बार ना, आप लोग थ्रू चेकआउट कर सकते हो, डिपर मारो थ्रू देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा सही है। कितने वाट है ये? 250 वाट है, 250 वाट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 250 वाट है और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे हमने क्या लगाया इसमें? ये फॉग लाइट है। ये फॉग लाइट है? हाँ जी, ठीक है, नीचे फॉग लाइट है, ऊपर DRL है ना, मैट्रिक्स स्टाइल में आपको DRL मिल जाती है ऊपर और व्हाइट कलर में जो इंडिकेटर आ जाएगा इसी के साथ तो ये चेकआउट कर सकते हो। इस तरफ देख सकते हो ये रहा इंडिकेटर अपना, यहाँ पे इंडिकेटर वाला फंक्शनिंग आ रही है और स्कैनिंग फीचर में आप लोग इसको बोल सकते हो यहाँ से, ये रहा। तो ये चेकआउट कर सकते हो गाइस, तो ये चेकआउट कर सकते हो आप, ये मैट्रिक्स स्टाइल में जो है अपने इंडिकेटर है ना, इसी के साथ साथ नीचे फॉग लैंप जो है वो भी मैट्रिक्स में आ जाते हैं ना, ठीक है। अब साइड में क्या कर रहे हैं श्रीराम जी? साइड में आपको साइड में ऊपर ऊपर चलो रूफ रेल्स लगाई है ना, लगा है तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ऊपर रूफ रेल लगी है। ये टेप ना इसलिए लगाई जाती है, सिलिकॉन से पेस्टिंग होती है तो एक दिन अच्छे से चिपक जाए, उसके बाद अच्छे से पकड़ कर लेगी है ना, लाइफ टाइम गारंटी है, लाइफ टाइम रहती है बिल्कुल। नट वगैरह से नहीं करते हम लोग, सिलिकॉन से करते हैं है ना, नट से नहीं करते। उसके बाद साइड में इसके बाद ये डोर वाइजर्स लगाए हैं, दिख रहे होंगे आपको ये डोर वाइजर क्या रहते हैं अगर आप बारिश लगे हुए। हाँ जी, लगा हुआ था ये कंपनी से लगा हुआ था। अच्छा, पर अपने पास भी मिल जाएंगे ना? अपने पास भी है, ठीक है, ठीक है। और बताइए बाकी, ये क्रोम लगवाया है यहाँ पे, तो ये लगवाया है साइड में क्रोम गार्निश, चेकआउट कर सकते हो। ये यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें भैया कोई रस्ट वगैरह जिस चीज तो नहीं आती? 2 साल गारंटी है सर जो क्रोम है उस पे, ठीक है। एंटी स्क्रैच ये प्लास्टिक का क्या है स्टिकर, यहाँ चेकआउट कर सकते हो। जब हम लोग गाड़ी खोलते ना मेरे नाखून से कई बार यहाँ पे स्क्रैच लग जाते हैं तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ये फुटस्टेप अपना, इसके बाद ये करने वाला ये साइड बिटिंग लगी है क्रोम गार्निश, यहाँ पे नीचे भी लगी है साइड बिटिंग एरी, फुटस्टेप यहाँ पे लगवाया है? हाँ जी, यहीं पे लगा। फुटस्टेप चेकआउट कर सकते हो। तो भैया ये चढ़ सकते हैं इस पर आराम से? पूरा आराम से, ये लो चढ़ गए, मेरे हिसाब से 101 किलो के तो हो गया। तो ये फुट स्टेप भी लगा रखा है साइड से, आपको दिख रहा होगा ये ग्रेविटी एडिशन है अपना, ठीक है। अंदर में पीछे बताओ भैया क्या है, इधर से आ जाते हैं, पीछे से चेकआउट कर सकते हो एक बार अपने शार्क फिन एंटीना कंपनी से लगा है, वो लग गया है। बाकी अपने पास भी है ना? अपने पास भी होता ही है, ठीक है, रिफ्लेक्टर लगा है, पीछे दिख रहा होगा ये बुल गार्ड लगा, ये टोमेटो क्रोम लगा है, ठीक है। इसके बाद ये बुल गार्ड लगा है, ABS वाला है, ठीक है, क्वालिटी है, ठीक है, बुल गार्ड भी लगा है अपना। और ये पीछे मैट्रिक्स स्टाइल में अगेन आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती है यहाँ से, ये देख सकते हो, सही लग रही है एकदम। अंदर आ जाइए श्रीराम जी, अंदर क्या क्या करा है, यहाँ पे चलते हैं एक बार अंदर। सबसे पहले जो मेरे समझ में आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी एम्बिएंट लाइट लगी है, ये चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद साइड में स्कफ प्लेट्स लगी हैं, सिल गार्ड भी बोला जाता है ना, है ना, ये चीज लगी है। फिर उसके बाद बताओ भाई क्या क्या लगा, और इसके बाद कहने वालों आपको ये फ्लोरिंग लगी है नीचे, ठीक है, डाई वाली लगी है पूरा, चेक कर सकते हो, डाई वाली फ्लोरिंग है। इसमें क्या रहता है अगर आपके घर पे कोई बच्चा हो या फिर पानी वानी गिर जाए, पूरा वाटर प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ रहता है, रस्टिंग जैसे इशू नहीं होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, ये वाली चीज नहीं होती। और उसके बाद मैट भी लगी है, मैट भी लगी है, कौन सी है मैट? ये 70 मैट है, 70 मैट लगी है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, चेक कर सकते हो प्रॉपर फिट एंड फिनिश है। और नीचे अपनी ये जो है ये कौन सी वाली फ्लोरिंग है भैया? ये फ्लोरिंग ये प्रॉपर डाई वाली है, डाई वाली फ्लोरिंग है, हाँ ठीक है, डाई वाली फ्लोरिंग मिल जाती है। उसके बाद एम्बिएंट लाइट लगी, चेकआउट कर सकते हो, कौन सी कार्डी ये कहने मतलब नहीं, K3 है, K4 है, K3 है, K4 में क्या रहता है अलग फीचर आ जाते हैं, ये चलता है हाँ, बट K3 एक रहती है कि स्टेबल रहती है और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। इसी के साथ साथ भैया यहाँ पे इस पर हमने स्टिचिंग करी है, स्टीयरिंग रैप करा है, चेकआउट कर सकते हो आप, एकदम बढ़िया स्टिचिंग है पूरी, समझ में आ रही होगी आपको। ये
भी अच्छा कर रखा है। सीट कवर इसमें कुछ नहीं करा? नहीं, सीट कवर का मतलब कंपनी अच्छा लगा के दे रहा है। ये कस्टमर बोल रहा था सीट कवर भी लगाना है मुझे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं सोचा, कहने मतलब देखो इतना बढ़िया सीट कवर कंपनी लगा दिया है, सही बात है। मैं अपनी लालच में कहने मतलब मैं ये इनका ये खराब कर दूं, क्या फायदा है किसी को। वेंटिलेटेड सीट्स भी आती है इसमें? वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, इनेबल्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, लगा सकते हैं। हो सकता है इसमें वेंटिलेटेड? अच्छा ठीक है, तो भाई यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मेरी गाड़ी के अपनी केतरी लगी हुई है, साइड में भी लगी हुई है। स्कफ प्लेट यहाँ पे आपको कारंस लिखा हुआ मिल जाता है। ये रहा अगेन फुटस्टेप अपना इस साइड पे लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। ये है अपने कुछ इंटीरियर कॉकपिट के लुक्स। ये पीछे की तरफ एक बार लेके चलूँ, यहाँ से आप अगेन पीछे चेकआउट कर सकते हो। ये रही अपनी कार केतरी है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। पीछे भी कारंस की स्कफ प्लेट मिल जाती है अपने को। इस तरफ भी अपना बराबर मिलेगा भैया हमारे, हाँ चारों मिल जाएगा। इस तरफ भी अपना जो है गाड़ी केतरी का ही लगा हुआ है सेटअप, और पीछे यहाँ पे कोई अपना एम्बिएंट लाइट लगने वाला सीन रहता नहीं है। तो ये थी अपनी पूरी की पूरी जो है मतलब जो बेसिक से काम थे वो कर दिए। बाकी लाइट में मैं आपको अगेन यहाँ से एक बार थ्रो दिखा दूँ आपको, वहाँ पे चलते हैं। हॉर्न भी बदले हैं क्या इसके? एक बार सुनाओ ना, इसके हॉर्न भी बदले यहाँ से। तो इसमें हॉर्न भी जो है ट्रम्पेट वाले लगाए, पिम पिम वाले हॉर्न लगाए हैं, इतने लाउड नहीं आते तो वाले हॉर्न जो इसमें लगे हैं। बाकी थ्रू चेकआउट कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे सर भी हैं। सर अपना नाम क्या है? रोशनलाल मीना। कहाँ से आए हम? द्वारका सेक्टर 19। ठीक है, जो काम था उससे सेटिस्फाइड है मेरा? अभी तो ठीक ही लग रहा है, बट एक दो दिन में कुछ कमी पेशी रहती है, कुछ बाद में कुछ कंपोनेंट काम करना बंद करने करे। कंपोनेंट लगवाए आपने जो भी ये काम किया है? अच्छा, दूसरे अच्छा, ठीक है। अगर इसमें कोई कंप्लेन एक दो दिन में पता चलती है, दो चार दिन में, हफ्ते भर में। तो आप मेरे भैया हर्ष व्लॉग्स है चैनल का नाम, वीडियो उसी चैनल पर आएगी, आप नीचे कमेंट कर सकते हो जो भी इनकी गलती हो, है ना। बाकी ऐसी होगी नहीं गलती, इतना है। अगर अगर फिर भी कोई चीज़ लगती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, है ना। गारंटी 2 साल के गारंटी दी है, अगर बायचा भगवान करे नहीं गलती वो करने मतलब कमी आए, फिर भी ज़रा सा अगर हल्का फुल्का अगर बाय चांस कमी आता है तो इस टाइम करने मतलब जैसे नए गाड़ी के दिए ये नहीं से पहले ही यहाँ आओगे इसी टाइम मैंने सामान लगा के आपको देना है मुझे, तो अच्छा है फिर। वही दिक्कत नहीं है, अगर कंप्लेन नहीं आती तो अच्छी बात है। सर हम यूजुअली 10 में से पूछते हैं कि कितने मार्क्स देना चाहोगे आप काम में, तो कितने 10 में से कितने पॉइंट्स? 10 में से 10 ही दे देंगे अगर कुछ खराबी कम कुछ खराबी नहीं है। बाकी जो आपको बजट बताया था उस बजट में हुआ है ना काम? बजट तो धीरे धीरे कुछ कंपोनेंट बढ़ते गए तो बजट उस हिसाब से बढ़ता गया। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या बजट होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, अभी हिसाब नहीं हुआ है। अच्छा। बजट वही इनका कहने वाला मैं भी पर्चा भी देख रहा हूँ यही 60 के लपेट आ रहा है, इतने में आ जाएगा। तो गाइज हम लोग आए थे श्री बालाजी कार डेकोर पे। इस गाड़ी में जो मेन काम थे जैसे कि फ्रंट की DRLs हो गई हैं, नीचे अपने हेडलैम्प्स थे वो लगे हैं। श्याम जी हेडलैम्प्स कितने वाट लगे हैं इसमें? 250 वाट। 250 वाट हाई लो एक ही है इसका? बिल्कुल, तो इसमें हाई लो एक ही है, 250 वाट लगे। सामने आप चेकआउट कर सकते हो, इसका थ्रो है। गारंटी वारंटी क्या इनकी? गारंटी 2 साल का, 2 साल की आती है। रिप्लेसमेंट पूरा ऐसे तो मैं लैपटॉप में गारंटी देता हूँ, मैं कैरेंस का। अच्छा, अगर कोई कमी आ जाए तो मैं पूरा लैपटॉप में कस्टमर गारंटी देता हूँ। मैं चलिए वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सर, कल को आप अरे मैं बिल्कुल वीडियो कोई भी कस्टमर हो ठीक है ये मैं करता ही हूँ एक तरह। ठीक है, तो भाई ये थी अपनी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। बाकी एक और दिखा देता हूँ इसमें जो जो काम हुए। फ्रंट में आप DRL चेक कर सकते हो, नीचे इसमें 250 वाट हेडलैम्प, फॉग लैम्प में अपना मैट्रिक स्टाइल है। साइड की बात करूँ तो साइड में जो है आप लोग यहाँ पे क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है, इधर जो है अपनी एम्बिएंट लाइटनिंग देखने को मिल जाती है, अंदर भी एम्बिएंट लाइट और काफ़ी अच्छी एकदम स्नग फिट हुई है, ऐसा नहीं कि निकल रही हो। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अपना जो फुटस्टेप मिल जाता है, देखिए मैं भी चढ़ाऊँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कारंस लिखा हुआ मिल जाता है इधर। इसी के साथ साथ अगर बात करें पीछे भी आप लोगों को जो है यहाँ पे अपनी एम्बिएंट लाइट, यहाँ पे कारंस लिखा हुआ है, इस पर आप आराम से चढ़ सकते हैं। पीछे अगेन यहाँ पे अपनी एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर रियर की बात करूँ मैं तो रियर में हमारा कुछ इस टाइप का जो है ये गाड़ी के लुक्स रहते हैं।